हेलो गाइस, मैं हूं अपना फैन। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लांट। और आज के स्टूडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से जीजी प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं, और वो भी उसकी सिर्फ एक सिंगल लीफ से। और आज मैं दो मेथड के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूं, जिसमें से पहला मेथड है वाटर प्रोपोगेशन और दूसरे सॉइल प्रोपोगेशन, और साथ ही साथ मैं रिजल्ट भी शेयर करने वाला हूं। तो प्रोपोगेशन के लिए हम जो लीफ सेलेक्ट करेंगे वो एक हेल्दी लीफ होनी चाहिए, कुछ इस तरह से ग्रीन और हेल्दी। और अगर उसमें इस तरह से कट या फंगस है तो उसे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। और फिर हम इसे कट करने के लिए एक सीजर लेंगे, और इसे यूज़ करने से पहले इसे अच्छी तरह से स्टरलाइज कर लेंगे, यानी कि रबिंग अल्कोहल या फिर सैनिटाइजर की मदद से इसे साफ कर लेंगे। और अब हम इसकी लीफ के बेस पे एक शार्प कट लगाएंगे कुछ इस तरह से, और मैं जल्दी से कुछ और लीफ को भी कट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कुछ और पत्तियों को कट कर लिया है, और अब हम इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसके नीचे का जो हिस्सा है वो ड्राई हो सके। तो 10 मिनट हो चुके हैं, और अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रोपोगेशन मेथड की ओर, जो कि है वाटर प्रोपोगेशन, जिसके लिए हम लेंगे एक कांच का जार। और हम एक ऐसा जार सेलेक्ट करेंगे जिसके मुंह का साइज छोटा हो, ताकि जब हम इसमें पत्ती को प्लेस करें तो वो अंदर ना चले जाए। और मैं यहाँ पे हाजमोला पाचक का जो कंटेनर आता है उसे यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम इसे ऊपर तक पानी से भर लेंगे, और फिर लीव्स को एक के ऊपर एक रख के इस तरह से जार में प्लेस कर देंगे। और अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो पत्ती के नीचे का हिस्सा है वो पानी में डूबा हो। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड प्रोपोगेशन मेथड की ओर, जो कि है सॉइल प्रोपोगेशन। इस मेथड के लिए हम लेंगे एक प्लास्टिक कंटेनर जो कि ज़्यादा गहरा ना हो, और साथ ही साथ हम इसके बेस पे 2 ड्रेन भी बना लेंगे। तो मैंने लोकल स्टोर से कुछ मसाले खरीदे थे, ये उसी का डब्बा है। और अब हम इसमें अच्छी तरह से कोकोपीट भर लेंगे, और फिर इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर देंगे। और अब हम सीजी प्लांट के लीव को लेकर उसे करीब आधा सेंटीमीटर इस तरह से मिट्टी में गड़ा देंगे, और हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और इसी तरह से मैं जल्दी से बाकी के लीव्स को भी प्लेस कर देता हूँ। तो अब हम इन दोनों को छाया वाली जगह पर रखेंगे, जहाँ इसे अच्छी ब्राइट लाइट मिले। और इस वाटर प्रोपोगेशन वाले के पानी को हर 2 से 3 दिन में चेंज करेंगे, और इस सॉइल प्रोपोगेशन वाले का सॉइल यहाँ तक यानी कि 70-80% नहीं सूख जाता, हम इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे। और यही रीज़न है कि हमने एक प्लास्टिक कंटेनर यूज़ किया है, ताकि हम देख सके कि एक्चुअल में इसका कितना सॉइल ड्राई हुआ है। और अब मिलते हैं कुछ दिन बाद के रिजल्ट के साथ। तो ये है 35 डेज बाद का रिजल्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर प्रोपोगेशन का क्या कंडीशन है। तो ये देखिए, इन सभी में रूट प्रोड्यूस हो चुका है, और मैंने इसमें 2 ब्लैक सीजी के पत्ते भी डाल दिए थे, और उसने भी ग्रोथ स्टार्ट कर दिया है। और इन सब में से सबसे बड़ा राइजोम इस बड़े लीफ ने डेवलप किया है। और अब मैं आपको एक बार सारी लीफ्स की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो अब मैं इन सबको वापस से जार में रख देता हूँ, और अब बढ़ते हैं सॉइल प्रोपोगेशन की ओर। तो मैं जल्दी से लीफ को सॉइल से निकाल के दिखाता हूँ। और भाई साहब, ये देखिए, इसने काफ़ी बड़ा और हेल्दी राइजोम डेवलप किया है। तो चलिए जल्दी से बाकी को भी चेक करते हैं। और ये देखिए, इन तीनों ने ही काफ़ी अच्छा ग्रोथ लिया है। तो अब मैं आपको एक साइड टू साइड कंपैरिजन दिखाता हूँ, और इस कंपैरिजन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जीजी प्लांट के लिए सॉइल प्रोपोगेशन बेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू प्लांट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।